हेलो फ्रेंड्स, मेरे लुक पे मत जाना, थोड़ा मैसी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई का स्पेशल पाव भाजी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट तैयार होने वाला। तो आओ बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके मैश करके रख दिया है। यहाँ पे धनिया, कसूरी मेथी, नींबू, 4 टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन मैंने कट कर लिया है। 2 कैप्सिकम मैंने कट कर लिया। पाव भाजी मसाला, अमूल बटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स में आपको कमाल के पाव भाजी बना के मैं दिखाऊंगी। तो पाव भाजी में तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन मैंने बस इतने ही यूज़ किया है। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे अमूल बटर, देन उसमें हम डालेंगे टमाटर, कैप्सिकम और मैश किए हुए आलू। पाव भाजी में तो अनगिनत सब्जी पड़ती है, फ्लावर, कैबेज और कैरेट, लेकिन मैंने बस इतनी सी ही चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। और आप मानो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए, 2 मिनट सॉटे कर लोगे। फिर उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे, 1/2 ग्लास पानी मैंने डाला है। पानी इसलिए डाला है कि जो इसमें कैप्सिकम और टमाटोज़ है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो इसको ढक के हम थोड़ा देर छोड़ देंगे। देन इसमें देख रहे हो आप, बॉईल आ गया है। तो बॉईल आ गया है तो फिर यहाँ पे टमेटो और कैप्सिकम यहाँ पे सॉफ्ट हो गए, इसको मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद मसालों में बस इसमें पड़ेंगे, यहाँ पे मैंने बस कश्मीरी मिर्च लिया है, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हल्दी। बस इतने से ही मसाले मैंने यूज़ किए हैं इसमें। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। किसी किसी को तीखा बहुत पसंद रहता है, किसी को नहीं पसंद रहता। तो तीखा जिन्हें पसंद है उसके लिए मैं आगे क्या करती हूँ, आप बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। देन इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर उसी के बाद सेम कढ़ाई में हम डालेंगे अमूल बटर। और ये देखिए, तीखे की बात कर रही थी तो ये देखिए, 4 मिर्ची मैंने बीच से चीर ली है और इसे हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैंने ऑनियन डाल लिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे बटर में। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने लिया है पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया डाल लिया है मैंने, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल ली है और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सबको हम थोड़ा सा मिला लेंगे, सॉटे कर लेंगे। देन लास्ट में जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, 1/2 लेमन का जूस हम इसमें मिला लेंगे। उसके बाद जो आलू का बैटर है जो हमने एक बर्तन में निकाला था, उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। पूरे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, फिर पानी डालेंगे। थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है। मुझे मीडियम थिक ग्रेवी पसंद है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है। तो फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर डाला कलर के लिए। और ये देखिए, जहाँ पे एक तरफ बन रही पाव भाजी और यहाँ पे झरमाझम हो रही है बारिश। तो नागपुर का ये हाल है अभी फ़िलहाल, तो दिन में गर्मी और रात में हो रही है बारिश। तो यहाँ पे बारिश हो रही है और एक तरफ मेरी पाव भाजी हो गई है तैयार। एंड में हम डाल देंगे बटर और धनिया। फिर क्या है, गर्मा गर्म पाव को आप सेकिए बटर में और इसे सर्व करिए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताना।